खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। विधानसभा चुनाव के बाद में अब लोकसभा चुनाव में भी पार्टियां हुंकार भरने के लिए तैयार हो चुकी हैं। कांग्रेस और बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। ऐसे में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल भला कैसे पीछे रह सकते हैं? विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से हुंकार भरने की तैयारी में है। बेनीवाल लोकसभा चुनाव में पहली बार अपनी पार्टी की किस्मत आजमाएंगे। इससे पहले बार अपनी पार्टी को विधानसभा चुनाव में उतारा था, जिसमें काफी सीटों पर वे सक्रिय रहे थे। क्या बेरोजगारी आपकी सबसे बड़ी परेशानी है? और क्या आपको भी बहुत पढ़ने के बाद कोई जॉब नहीं मिल पा रहा? पैसे कमाना चाहते तो हैं, लेकिन कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। अगर ये समस्याएं आपकी हैं, तो इसका समाधान हमारे पास है। डिजिटल तकनीक के इस जमाने में वो लोग रोजगार की बिल्कुल फिक्र नहीं करते जिनके पास डिजिटल तकनीक का पूरा ज्ञान होता है। इस ज्ञान को पाने के लिए आपको सीखनी होगी डिजिटल मीडिया, जिसको केवल 3 महीने सीखने के बाद ही आपके पास नौकरी और व्यवसाय करने के हजारों विकल्प खुल जाएंगे। इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672। बेनीवाल सोशल मीडिया के जरिए पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा युवाओं से भी लगातार बेनीवाल संपर्क में हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत भी युवा ही है। ऐसे में इस बार लाखों युवाओं के वोट बढ़ने से बेनीवाल की ताकत और बढ़ गई है। इसलिए बेनीवाल का ध्यान सीधे तौर पर कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज पर ही देखा जा रहा है। हालांकि किसान और मजदूर वर्ग से भी बेनीवाल का काफी जुड़ाव है, लेकिन ये बात भी सही है कि लोकसभा चुनाव में बेनीवाल को और ताकत झोंकनी पड़ेगी। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में एक बार फिर बेनीवाल की हुंकार की गूंज सुनाई दे सकती है। बेनीवाल चुनाव को देखते हुए पूरी रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। पार्टी के पदाधिकारियों को एक एक सीट की जिम्मेदारी बेनीवाल ने सौंप दी है, लेकिन बेनीवाल केवल पदाधिकारियों के भरोसे ही नहीं बैठ रहे, बल्कि खुद भी लगातार फीडबैक ले रहे हैं। ऐसे में अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही बेनीवाल के योद्धाओं की सूची आ सकती है। हमारे क्वेश्चन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा दूसरा सवाल है, देश में सबसे बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है, 37 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। क्या सोचते हैं आप कि अब सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? इस सवाल का जवाब देने के लिए जल्दी से अपना सेलफोन उठाइए और सेल्फी वीडियो बनाकर आपका जवाब क्या है हमें भेजें।